अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू समन की दुनिया। आई होप सो आप सब बिल्कुल ओके होंगे और मेरी दुआ भी यही है कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। तो आज मेरे भाई का लास्ट पेपर, लास्ट पेपर यानी आखिरी पेपर, आखिरी मतलब यानी इख्तिताम, तो हम उसको लेने जा रहे हैं। तो बहुत खुश था, इंतहा का खुश था, देखते हैं उसकी खुशी का इजहार क्या होता है आज के दिन। उसने कहना बस मेरी जान छूट गई, मज़ा आ गया, कमाल हो गया, ख़त्म हो गया पेपर, अब मुझे कहीं ले जाओ, मुझे फिल्में भरवा दो, मुझे ये करवा दो, मुझे वो करवा दो। उससे अब रोला रहा, अभी देखते हैं उससे जाते साथ इंतज़ार कर रहा होगा। अभी वैसे 10 मिनट हैं पेपर ख़त्म होने में, 10 मिनट हैं। और जब मेरे लास्ट पेपर होता था ना, जब मेरा आखिरी पेपर हुआ है, ये लास्ट फाइनल मैंने एग्ज़ाम दिए हैं MA Part 2 यानी कि MA के, तो कसम से मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी कि वो शुक्र है अल्लाह का कि मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए। और ये सबसे डिफ़िकल्ट थे MA Part 2 के एग्ज़ाम, मेरे सबसे डिफ़िकल्ट थे जो मैंने अब दिए ना। मुझे लग पता गया किन हालात में, किन वो सिचुएशन ऐसी थी कि बता भी नहीं सकती। चलें चलते हैं, हम शरोज को लेने, इंतज़ार कर रहा होगा हमारा, 5 मिनट तो रह गए हम। चलें ठीक है, उधर जाके मिलते हैं। ओके, शरोज के पेपर ख़त्म हो गए और आज का पेपर भी अच्छा हुआ है। इससे पूछेंगे हम पूछेंगे कि इसका एग्ज़ाम कैसा हुआ। हाँ चल यार बताओ, पहले सबसे पहले बताओ। शुक्र अब सारी पाबंदियाँ मेरे पे हो चुकी हैं ख़त्म। अब मैं गेम भी खेल सकता हूँ, TV भी देख सकता हूँ, बाइक से जा भी सकता हूँ और सो भी सकता हूँ, और रात टाइम तो पढ़ना भी नहीं पड़ेगा मुझे। शुक्र है अल्लाह तेरी जात, और पेपर ने साड़ी जान छेड़ी। इतनी खुशी मुझे आज तक। अब रखो एक दम और कहीं जो क्या जो बता था यकीन माने पेपर इसके थे और टेंशन मुझे थी, मुझे लग रहा था ऐसे कि जैसे मेरे पेपर। तो शुक्र है इसके पेपर खत्म हुए और हम अब चलते हैं, कोई पार्टी शार्टी करेंगे, इंजॉय करेंगे और खूब खूब खाए पिएंगे, खाने पीने में बात खत्म हो जाती है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चले ठीक है, हम पहले सबसे जाते हैं घर क्योंकि गर्मी बहुत है, रात को खिलाएं पिलाएंगे। फिर तुझे बताऊंगी ना, अभी आगे तो आ भाई, शरोज के पेपर खत्म हुए तो फिर पार्टी तो बनती है, ये तो नहीं है कि नहीं। अब मुझे इससे चाहिए ना कि मुझे कुछ खिलाए, और आज भी अगर इससे पार्टी ना ना दी शरोज, बड़ी हो रही है तो फिर देखना, फिर थप्पड़ पड़ेंगे। हाँ जल्दी बताओ मुझे क्या खिलाओगे यार। बैठो मैं अपने करता हूँ। किधर है पहले बताओ ना, पहले मैं पॉकेट चेक करती हूँ, है क्या तुम्हारी पॉकेट में? सुपारी। ये तो साथ लेके घूमता है वैसे, तुम्हारा ये देखेंगे साथ लेके घूमता है, इतनी डेंजरस चीज। पीछे हटो, लो ये आपका दोस्त भी इधर ही आ गया। अच्छा लोगी था, दोस्त आया था वहाँ, बोले ये 200 रुपये में तुम मुझे क्या खिलाओगे? नहीं ना, 200 रुपये में क्या खिलाएगा मुझे तू? बस आप चलो, आप बड़ी चीज़ खिलाऊंगा बहुत अच्छी। अच्छा मैं चली जाऊँ साथ? हाँ। फिर एक चीज़ है, जितनी खाओगे ना उतना आपका पेट फूल हो जाएगा। जितनी खाऊंगी मेरा पेट फूल हो जाएगा? थोड़ी सी खा लोगे आपको बस। ऐसी क्या चीज़ है जो थोड़ा सा खाने से पेट फूल हो जाएगा? ऐसी क्या चीज़ है भाई, पहले मुझे ये बताओ। दाल रोटी। दाल रोटी मुझे मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। घर भी दाल रोटी बनी है, जा पहले वहां से खा। भाई ये क्या बात हुई? हाँ जी हमारे थोड़े से गेस्ट आ गए थे, हम उसमें उन पे मसरूफ हो गए थे जरा। मैं हाँ तुम क्या कह रहे थे, जल्दी बताओ, जल्दी दार चीज होनी चाहिए, ऐसे तो नहीं ना, जल्दी बोलो, सोच लो वो है, इतना ना सोचो कि बाइक ही गिराने लग गए, जल्दी बताओ। जो आपको खिला दूंगा बैठो, मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम। ओके डन। अच्छा पहले तो मुझे आइसक्रीम खिलाएगा, मैं तुझे अगले पेपर जब तेरे खत्म होगी तब मैं तुझे ट्रीट दूंगी, डन? चलो ठीक है। ऐसे तो नहीं होता है। हम मैकडॉनल्ड्स आ चुके हैं और शरोज की अब 200 रुपया लगाने लगे हैं। हाँ जी 200 ही रहा, पक्की बात है? 200 कितना होता है ये बता। ओ मतलब होश में है तू। देखो ना वहाँ एक और स्कूटी है। हाँ सेम टू सेम। अच्छा तो फिर तुम्हें तो आइसक्रीम पसंद नहीं है, तो तुम नहीं खाओगी क्या? नहीं आप मतलब मैं अकेले खाऊंगी? ये भी अच्छा है, अकेले खाने में मज़ा ही कुछ और है। मांगे आइसक्रीम पसंद ही नहीं है।
पता नहीं मुझे समझ नहीं आती इसको आइसक्रीम क्यों नहीं पसंद। वो दूध से बनी होती है इसीलिए। नहीं मीठी ज्यादा बेटा, इसीलिए तुम्हारी हड्डियां कमजोर है। मिठास है बेटा, दूध से बनी तुम चीज कोई खाते नहीं हो तो फिर ऐसे ही होना है ना। नहीं नहीं वो तो ठीक है, मैं मीठी बहुत आती हूं कह रहा हूं। इतनी भी नहीं मीठी होती, जाने दे। मैं कहती हूं उसमें कोई गुड़ डाल देते हैं। यहां खड़ी करो, हम चलते हैं अंदर। इससे ना चीज लेने में बहुत शर्म आती है, मगर मैं इसे खुद बेचती हूँ, जाना चाहिए। शर्म किस बात की? जब तक आइसक्रीम आती है तुम्हें एक बात बताओ। क्या पूछना? तुम्हें पेपर देख के सबसे ज्यादा खुशी क्या हुई? खुशी ये हुई कि पेपर खत्म हो गया। पेपर खत्म हो गया तो तुम्हारा दिल क्या कर रहा है बता? तुम्हारा दिल क्या कर रहा है? डांस करने का। अच्छा, इसका दिल कर रहा है अब डांस करो। तो ऐसा करो, तुम्हारी दिल की ख्वाहिश पूरी करते हैं, यहाँ खड़े होकर डांस करो। क्या करोगे? सब लोगों को छुट्टी करो। क्या? सब लोगों को छुट्टी दे दो। नहीं, अब तुम्हारा दिल कर रहा था डांस करने को, तो मैंने इसे आसानी कर दिया। दिल की ख्वाहिश पूरी करो, यहाँ खड़े होकर डांस करो, और उनको भी पता लगेगा यार तुम्हारे पेपर खत्म हो गया, जल हो गया आइसक्रीम पता कर क्या। रोज लेने गया आइसक्रीम, तब से यहाँ बैठा था, आइसक्रीम वहाँ से। मजा आ गया तुम्हारे पेपर की खुशी में। चेस ना, चेस नहीं करते जो करो चेस ना करते ना। कभी 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 ये होता है कि दूसरों के पैसों की चीज खाने का बड़ा मजा आता है, खास तौर पे शहरोज के पैसों। मैं कभी कभी तो खिलाता हूँ आपको, ये कभी कभी तो मुझे खिलाते हैं। चले बहुत मजे के खाएंगे, आप खाएंगे? अभी वेट करें, दो मिनट में ये खा लूँ, फिर बात करते हैं। ओके वेटिंग। क्यों सेम यार, इतनी सी आइसक्रीम है और मुझसे वो नहीं खत्म हो रही। क्या हुआ? जाए झूठे, इतनी सी आइसक्रीम है मुझसे वो खत्म नहीं हो रही। तो एक मिनट, जब वो ठंडी चीज़ खाओ ना तो बोलना बहुत मुश्किल से जाता है। अगर यहाँ मेरी सिस्टर होती ना तो उसने क्रैप कर लेनी थी। और इस टाइम मैं आई मिस यू अलमार, मैं आपको मिस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे से ये खाई नहीं जा रही, तो मैं आपके लिए तो लेके आ नहीं सकती, तो ओके खानी पड़ेगी मुश्किल से। और चर्स तुम्हारा थैंक यू। अच्छा कहाँ है, कहाँ गई दूसरी स्कूटी? बस अब चले, यही खिलाना था बस, यही खिलाना था बस। अच्छा एक मिनट, बकाया तेरे पास कितने पैसे रह गए? 200 में से जल्दी बता, रोक इसको। 60 रुपए। अब 60 रुपए का भी कुछ खा के जाने, पूरी तेरी जेब खाली करवा के जानी है। मुझे भी तो सिला मिले ना, इतने दिन तुम्हें छोड़ने का लेके आने का कोई इंजॉय हो। चल भी चले, 60 रुपए की भी कोई चीज खिला। चलो जी हम आ चुके हैं घर, और हम घर आने से पहले ये जो है ना, ये दूध हम लेके आए, ऊंटनी का दूध। पता नहीं मम्मा को पता नहीं पीते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, पर ले लिया है।
पीते होंगे तो बेच रही थी ना वैसे भी। अस्सलाम वालेकुम मामा जी, तुम क्या ऊपर से वादे दे रही थी? मामा ये लो दूध। मामा जी ओटनी का दूध है। चलो मैंने कहा था भी बताओ, मैंने पूछना था। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मामा ओटनी का दूध पीती है? गरम है। अच्छा नहीं था, ताजा निकाल दो ना। मेरी बात सुने, वो कह रही थी कि ना कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अलवा तुम्हें पता है अशरोज ने मुझे सरप्राइज दिया, उसने मुझे आइसक्रीम खिलाई है मिकॉन्स की और हमें बड़ा मजा आया, हमने खाया। और मैंने इधर तुम्हें कहा भी है मैं मिस कर रही हूँ क्योंकि मुझसे आइसक्रीम खत्म नहीं हो रही थी, तो मेरी सिस्टर है वो जो आइसक्रीम की भूखी है दीवानी है वो खाने थी उसने, पर अब इधर तो लेके नहीं आ सकते थे, पिघल जानी थी, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में बंदे की एंड हुआ, आइसक्रीम की एंड हो जानी थी। ऐसे बोल के दिखाओ हम इधर। और ना मेरी बात सुनो, ₹60 बच गए थे, मैंने कहा था ₹60 में हमें कुछ खिलाओ, तो ना ऑन कैमरा कहते हैं हाँ खिलाता हूँ खिलाता, जब मैंने कैमरा बंद किया पता क्या कहता, ₹60 तो रह गए ने छड़ बड़ा। रुको जरा सबर करो। मुंह देखे इसके मुंह में क्या छुपा है? कंजूस छुपा है इसके मुंह, कंजूस आदमी छुपा है इसके अंदर, कंजूस क्या। चले हम इधर से, मैं ग्लास में पानी डाली, मैं जरा मुँह फ्रेश हो जाऊँ और मैं जरा रेस्ट करने के लिए मुझे सो जाऊँ, और मुझे वैसे भी बड़ी नींद आई है। तो हम आज का व्लॉग यहाँ इख्तिताम करते हैं, तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और ज़रूर नेक्स्ट व्लॉग में लेंगे। बाय बाय।